Yeah. Hera. दशहरा यानी विजयादशमी या आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। आश्वनी के कवार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नौ रात्रि एवं दस दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त किया था। इसे असत्य पर सत्य के विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के शास्त्र और वेद पुराण के हिसाब से माता दुर्गा एवं श्री राम ने विजय प्राप्त किया था। इसकी अलग अलग कथाएं प्रचलित है। दशहरा के इस पर्व से जुड़ी दो कथाएं आप लोगों को मैं सुनाता हूं। एक श्री रामचंद्र जी का और एक माँ दुर्गे का। तो पहले दोस्तों हम सुनते हैं माँ दुर्गे की कहानी। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान तप से बाध्य होकर के देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसको वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वो अपनी शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करे और उसने वैसा ही किया और देवताओं का सोच बिल्कुल सही निकला और वो फलस्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। दोस्तों महिषासुर का यह कर्म देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य इंद्र अग्नि आयु चंद्रमा यम अरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वर्ग लोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा। तो दोस्तों तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और दोस्तों कहा जाता है कि इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इसी दस दिन की संग्राम में महिषासुर दसवें दिन यानी दशहरा के दिन महिषासुर संग्राम में मारा गया। अतः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दानी कहलाई गई। इसीलिए दोस्तों इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अगली कथा की ओर जो श्री राम जी का है। दोस्तों लंका युद्ध तो सभी जानते हैं, तो उसी लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजा कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताया नियमानुसार चंडी पूजा के लिए 108 नील कमल की व्यवस्था की जाए और विधि पूर्वक चंडी का पूजा संपन्न की जाए। ब्रह्मा जी के बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। दोस्तों यह सब रावण को ज्ञात हुआ तो वही दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथावत संभव पूर्ण से किया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्तियों ने गायब कर दिया। जब नील कमल गायब होने का समाचार राम को मिला तब राम जी का संकल्प टूटता नजर आने लगा। राम को भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाए और दोस्तों दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल संभव नहीं थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ
कि मुझे लोग स्वयं कमल नयन नौ कंच लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र हवन में अर्पित कर दिया जाए और प्रभु राम जैसे ही तुनीर से एक बाण निकाल कर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट होकर राम की हाथ पकड़ लिया। देवी ने राम का हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ और विजय श्री का आशीर्वाद देती हूँ। यह कहकर माता चंदी ने वहां से अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, उधर रावण भी चंडी माता को प्रसन्न करने के लिए पाठ में व्यस्त था तथा पंडितों से हवन करवा रहा था। यह देख हनुमान जी सोच में पड़ गए कि कहीं रावण का चंडी पूजन संपन्न हो जाए। रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धर कर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देख करके ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनती पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर में मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और ततास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरणी यानी कि प्राणियों को पीड़ा हरने वाली है और करनी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने इस श्लोक में ह की जगह क कहरवा कर रावण के यज्ञ का दिशा ही बदल दी और चंडी माता इसी बात पे रुष्ट होकर के कोई वरदान दिए बिना रावण का साथ छोड़कर चली गई। इसी कारण से दोस्तों राम ने रावण पे विजय प्राप्त की और अयोध्या आकर के दशहरे के दिन ही खूब धूमधाम से दशहरा पूजा का आयोजन करवाया और धूमधाम से शहरवासियों ने युद्ध जीतने का खुशी मनाया। तो दोस्तों ऐसे हुआ दशहरे का शुभारंभ। तो मिलते हैं दोस्तों कोई और वीडियो में। चंडी माता आप सभी का मनोकामना पूर्ण करें।